सुसमाचार में बताते हैं कि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। मानव पुत्र के आगमन के समय उनको स्वीकार करने के लिए, उनके साथ होने के लिए अच्छा जीवन जीते हुए अपने आप को तैयार करें, अपना तन मन को शुद्ध रखें। इसके लिए अपने कर्म वचन को सुधारते हुए स्वर्गराज के खोज में लगे रहें, क्योंकि हमारे लक्ष्य स्वर्ग हैं। प्रार्थना एवं त्यागमय जीवन बिताते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अच्छा कार्य करते रहें। यीशु ने बताए हैं कि ईश्वर के राज तुम्हारे ही बीच हैं। दैनिक जीवन की दुख तकलीफ एवं कठिनाइयों को सामना करते हुए स्वर्गराज के लिए समर्पित करें और प्रेम, एकता एवं भाईचारे के साथ जीवन बिताएं, ताकि मानव पुत्र के आगमन के दिन हम स्वर्गराज के योग्य पुत्र पुत्रियां बन जाएं।